In the figure shown, what is the current drawn from the battery? You are given R1, R2, R3, R4, R5, R6 and E is equal to 15 volt. तो इसको आप लोग नॉर्मल ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ सॉल्व कर सकते हो, केवीएल के साथ सॉल्व कर सकते हो, या नोडल मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड ओम्स लॉ के साथ। उसके लिए देखो, पहले रेजिस्टेंस फाइंड करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखना कि ये जो R3, R4 एंड R5 है, तीनों कैसे है सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। R3 कितना दिया है, 20, 20 प्लस R4 5 प्लस R5 कितना है, 25, तो ये कितना आ जाएगा, 50 ओम। तो अगर मैं सर्किट को रिड्रॉ करूँ तो सर्किट ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है, R1, R1 कितना है आपके पास, 15, एंड ये R2, R2 कितना है आपके पास, 10, R6 कितना है आपके पास, 30, और ये बचा कितना यहाँ पर, 50, ये वाला राइट और इक्विवेलेंट। और E का वैल्यू कितना दिया, 15 वोल्ट। अभी देखो यहाँ पर ये जो दो रजिस्टर है 10 एंड 50, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 50 × 10 / 50 + 10, तो ये क्या आ जाएगा, 500 / 60, मतलब 50/6, मतलब 25/3 राइट। चलो इसी सर्किट को रिड्रॉ करते हैं अभी हम लोग। ये आपका रजिस्टर का बैटरी, ये आपका रजिस्टर, ये आपका रजिस्टर एंड ये आपका रजिस्टर। ये इसका वैल्यू 15, इसका वैल्यू 30, बैटरी का वैल्यू 15 एंड इक्विवेलेंट कितना मिला, 25/3। अभी देखो ये जो तीनों रजिस्टर है, ये 15, 25/3 एंड 30, ये तीनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 15 + 25/3 + 30, तो ये आएगा 45 + 25/3 विच इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 45 × 3, मतलब ये 150 - 15, 135 होगा ना, तो ये होगा 135 + 25, 160, तो 160 / 3 ये आ जाएगा, 160 / 3 ओम। तो देखो फाइनल जो आपका सर्किट बनेगा वो क्या कैसे बनेगा, ये 15 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर हम लोगों ने एक रजिस्टर कनेक्ट किया 160/3 का, तो ये बैटरी कितना करंट देगी, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/R, V कितना है 15, R कितना है 160/3, तो ये आ जाएगा 45/160, तो 45/160 इज 0.28 एम्पियर। तो 0.28 एम्पियर है क्या कहीं पर, ओके नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर। चलो सॉल्व करते हैं, ऐसा फ्रैक्शन में दिया है तो ये 5 से जाएगा ना, 5 × 9 कितना, 45 एंड 160/5 कितना आ जाएगा, 32, तो 9/32 एम्पियर, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन राइट।